दीदी, अब मुझे लगता है कि हमें बाबा को अब सब कुछ बता देनी चाहिए। चुप, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा दीदी। देख, वैसे ही बाबा हमें अकेले संभाल रहे हैं और भैया नौकरी की खोज में परेशान रहते हैं। क्या इस परिस्थिति में बाबा को ये सब बताना ठीक होगा? क्या पहले से ही घर की उलझने कम हैं? सुनो बेटी, अभी शिवा का फोन आया था। शिवा को सरकारी नौकरी मिल गई है। सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी। और अपना शिवा कल ही घर वापस आ रहा है। उसके स्वागत की पूरी तैयारी करो, कोई कमी नहीं रहने पाए। हाँ बाबा, जरूर। थोड़ी सी दे दे। पैसा नहीं है मेरे पास। घड़ी दे, घड़ी। जल्दी दे, चल। और पैसा नहीं है मेरे पास। मोबाइल। ले ले, जल्दी ले। भैया वो नारियल कितने की है? नारियल 20 रुपए का है। 20? कम नहीं करोगे? नहीं, कम नहीं होगा। अच्छा, दिखाइए। पानी है कि नहीं देखिए। देख, हाँ इसमें पानी है। ये वाली दे दो। दीदी डाब नहीं लेना है? नहीं नहीं, बस नारियल ही लेना है। नहीं नहीं, डाब नहीं चाहिए। ये लो पैसे। चलो चलो।
दरिंदों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी लड़की पे हाथ उठाते हुए? छोड़ो, छोड़ो मेरी बहन को, भगवान के लिए छोड़ दो। तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना? रोके। यस बॉस। मैडम के लिए तेजाब लाया जाए। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, प्रीति, प्रीति, अरे मेरा बच्चा, सपना, सपना, ये क्या हो गया? प्रीति, सपना, ये क्या हो गया? अरे किसने किया ये? नहीं छोड़ूंगा, चिंता नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, चिंता नहीं छोड़ूंगा, साले के खून में अपनी गर्मी।
तुम सब मिले हुए हो, तुम साले सब मिले हुए हो, तुम सब मिले हुए हो। इंस्पेक्टर, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? यहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ है। क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? तमाशा देखो। बोल बोल साले, बोलो ये सब किसने किया? देखो इंस्पेक्टर, देखो तुम सब मिले हो। खामोशी बता रही है, ये खून तुमने किया, अपने बाप और अपनी बहन। पांडे जी, इस लाश को ले जाकर इसी नदी में फेंक दो। ले जाओ सर, ले जाओ, इसकी धुलाई तो मैं करूंगा। ये कोई लावारिस लाश नहीं है इंस्पेक्टर, तुम सब मिले हो, तुम सब मिले। तू अपनी जान बचा, तुम सब मिले हो। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। साले ने अपना जुर्म कबूल किया कि नहीं? नहीं सर, लौंडे की खाल बहुत ही मोटी है। डाल साले, डाल। कैसे हो? पर मैं क्या करती? उस वक्त हालात मेरे काबू में नहीं थे, मैं मजबूर थी। पर अब क्यों हुई गलती, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मेरे बाबा, मेरी बहनें, उनको वापस ला सकती हो तुम? नहीं ला सकती हूं। वक्त मेरे साथ खेल खेल, देखते हैं इस खेल में बाजी कौन मारता है। अब मुझे बस उस पल का इंतजार है जिस दिन मेरा उनसे सामना होगा। वो और कोई नहीं, वही गुंडे हैं जिन्होंने अपने किए हुए घिनौने जुल्म का इल्जाम तुम पर लगाकर इन सलाखों के पीछे तुम्हें पहुंचाया है। चलिए जी, समय खत्म। बांध बांध साले को, आज तो इसकी सारी हड्डियां तोड़ दो। चर्बी उतारता हूँ, मार साले के। यूबे साले, अतने में ठंडा गया तू? मुड़ी उठ, उठ साले, अपना गुनाह कबूल कर ले। बोल बोल। शर्मा। हाँ सर। तुमको 10 लाख रुपए दिए क्या उसकी खातिरदारी करने के लिए? नहीं सर, हम लोग तो उसको पहली मार मार के अधमरा कर चुके हैं। आप कहे तो सर उसको हम जंगल में फेंकवा दें। फेंकवा दो साले को जंगल में।
रुको, तुम दो उधर जाओ, तुम दो उधर जाओ, चलो। जैसे असुरों का नाश करने के लिए शिवा ने रुद्र अवतार धारण किया है। नहीं, 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 नहीं।